का टाइम है, मैंने मैंगो शेक बना लिया है ब्रेकफास्ट में, और रोटी और आलू के गुटके अभी हम खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे आज बहुत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग रविता गुंजी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बड़ों को प्रणाम, साथ वालों को प्यार और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। गर्मी तो बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, दरवाजे के बाहर निकला नहीं जा रहा, इतनी गर्मी है। तो अभी तो मैं बना रही हूँ दिन का खाना, और दिन में मैं बना रही हूँ आज कोटा बाग के चने। ये चने काफ़ी फ्रेश ताजे हैं अभी, और आजकल के ही हैं चने ये, और दिखने में काफ़ी छोटा छोटा सा था, लेकिन पानी डालने के मतलब भिगोने के बाद काफ़ी अच्छा साइज बड़ा हो गया है। बहुत छोटे छोटे से थे कोटा बाग के, पता नहीं अब कैसे होते, पहली बार बना रही हूँ स्पेशल चने। और आज भयंकर गर्मी है, कल 40 प्लस हो चुका था, आज भी लग रहा है 41 हो ही जाएगा टेम्परेचर, और खिड़की दरवाजे सारे बंद करने पड़े, सुबह से बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा, पता नहीं क्यों। इतने आम भी है, इस आम का अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, खट्टा अचार बना दूँ कि मीठी चटनी बनाऊँ। मीठी चटनी बनाने में बहुत टाइम लगता है, गर्मी इतनी है कि चूल्हे के बगल में बहुत देर तक खड़ा नहीं हो सक हुआ जा रहा है। गर्मी इतनी है कि इतने देर तक चूल्हे के सामने खड़ा नहीं हुआ जा सकेगा। तो मीठी चटनी को तो बहुत देर तक ऐसे मतलब वो करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हिलाते रहना पड़ता है उसको ताकि जले ना। काट के रख देती हूँ, शाम को इसकी सब्जी बनाऊंगी। मैं आज बना रही हूँ कच्चे आम की चटनी, खट्टी वाली चटनी, चावल के साथ अच्छी होगी, चटपटी। मिर्च लहसुन और आम डाल रखा है, अभी देखती हूँ टेस्ट के हिसाब से और क्या क्या डाला इसमें। धनिया वनिया तो कुछ है नहीं अभी। मैंने बना ली है कच्चे आम की चटनी, चटपटी, मिर्च लहसुन और थोड़ा सा नमक डाला, बाकी कुछ नहीं डाला, फिर भी टेस्टी हो रहा है, क्योंकि जो खट्टा कच्चा आम होता है वो वैसे ही अच्छा लगता है बिना कुछ डाले भी। पुदीना डालने वाली थी, फिर मुझे लगा पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, तो डाला नहीं मैंने पुदीना इसमें। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि चारों ओर बंद करके बैठी हूँ बिल्कुल, कमरे में अंधेरा करके, जिससे कि बाहर की गर्म हवा ना आए अंदर। भयंकर गर्मी हो रही है हल्द्वानी में, कुछ दिनों से भयंकर गर्मी हो रही है। अभी इसमें थोड़ा सा इसको और कूटूंगी मैं, लेकिन ये दरदरा ही अच्छा हो रहा है, चावल के साथ मजा आएगा। खट्टा मिर्च भी डाला होना है, चटपटा। खाना मैंने लगा लिया अपने लिए, चने की दाल बना रखी है आज मैंने, मतलब चना बना रखा, इसमें थोड़ा सा मैंने अरहर मिलाया, बहुत ही गाढ़ा दाल बन गया, और खीरा और चटनी, कच्चे आम की चटनी। आज मैं ज़मीन में बैठ के खाऊंगी, अच्छी सी मूवी आ रही है, मूवी देख के खा रही हूँ, लंच कर रही हूँ, आप लोग भी कीजिए लंच। आजकल गर्मी तो हो ही रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा हैवी खाना हो जा रहा है, तो पेट भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, तो शाम को मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बना ली है, और इसमें मसाले कुछ नहीं डाले हैं, बस हल्दी डाला है और थोड़ा सा लहसुन कूट के डाला है, और घी डाल रखा है, नमक डाल रखा है, और बस ये सिंपल सा खिचड़ी, थोड़ा सा पेट हल्का रहेगा, और दही के साथ खाएंगे आज हम लोग। तो शाम को मैंने बनाया है डिनर में खिचड़ी, आज रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और पेट भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा था। ये देखिए बिल्कुल सिंपल खिचड़ी बना रखी है, बस इसको फ्राई भी नहीं किया, ऐसे ही बस सीटी मारा, बस सब कुछ डाल के सीटी मार दिया सेम आँच में। और ये मुझे थोड़ा और गीला चाहिए था, लेकिन मैंने जो है गैस ऑफ करने में थोड़ा टाइम लगा दिया। तो आज का ये ब्लॉग इतना ही है, छोटा सा ब्लॉग बनाया मैंने, गर्मी के चक्कर में कहीं आना जाना हो नहीं रहा है, बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है हल्द्वानी में, 42 अबव हो गया है। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कीजिए मेरे अगले ब्लॉग का इंतज़ार, और देखते रहे रविता गुंजी ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।